नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। राजस्थान पीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, और आउट तो हुआ ही है, साथ में एक अच्छी खबर और ये भी है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 952 के आसपास आपकी वैकेंसीज हैं। ये कम ज़्यादा हो सकती हैं, जिस तरह से यूपी पीसीएस में होता है कि जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक वैकेंसीज बढ़ती रहती हैं। तो अभी 950 लगभग सीटें हैं, हो सकता है कि कुछ और भी इसमें बढ़ोतरी हो जाए। नहीं भी होगी तब भी 950 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये खबर राजस्थान के लिए तो बहुत अच्छी है, ये राजस्थान के जो लोकल लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इतनी सारी सीटें राजस्थान में आ रही हैं, बहुत अच्छा मौका भी है, तैयारी कर सकते हैं, अच्छी जॉब पा सकते हैं। यूपी के लोगों के लिए या बाकी दूसरे स्टेट्स के लिए भी बहुत एक अच्छा मौका है कि वो इनकी तैयारी करें, क्योंकि यूपी पीसीएस में हो क्या रहा है दोस्तों कि यूपी पीसीएस में थोड़ा सा कोर्ट कचहरी का चक्कर ज़्यादा पड़ गया है। 2016 का मेंस फंसा हुआ है कोर्ट में, 2017 का प्री जो रिजल्ट आया था वो भी फिर से फंस गया है, 18 का भी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं या कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी राजस्थान का फॉर्म भरें और एक बार ट्राई कर लें, क्योंकि कोर्स जैसा अभी मैं बताऊंगा, इसमें अभी आप पीडीएफ को जब हम पढ़ेंगे कि कोर्स मोर और लेस एक जैसा है। इनफैक्ट मैं कहूँ राजस्थान का सिलेबस थोड़ा कम है, यूपी का ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आप पहले स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों, बाकी सब तो चलो ठीक है, ये सब तो आप पढ़ ही लेंगे, मोटा मोटा मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ फटाफट। जो वैकेंसीज़ हैं, एक बार वैकेंसीज़ को पढ़ लें कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लोक सेवा, राजस्थान राज्य बीमा सेवा, राजस्थान उद्योग सेवा, राजस्थान पर्यटन सेवा, राजस्थान वाणिज्य कर, राजस्थान सहकारी सेवा, इसमें सब ये सब सीटें आई हुई। आप उसको राजस्थान कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर ये इजिली मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर ये है कारागार सेवा, नियोजन सेवा, खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा, परिवहन सेवा, महिला एवं बाल विकास सेवा, राजस्थान देवस्थान सेवा, ग्रामीण विकास, महिला विकास, श्रम कल्याण, अल्पसंख्यक, आबकारी में दारू शराब, आबकारी सेवा, ये सब है। मतलब 405 सीटें लगभग इसमें हैं। फिर अधीनस्थ सेवा में भी ये लिए, अधीनस्थ सेवा यूपी में थोड़ी अलग अलग एग्जामिनेशन इसका होता है, अधीनस्थ सेवा आयोग अलग है, लेकिन राजस्थान में कंबाइंड होकर आ रहा है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आबकारी है, आबकारी यूपी पीसीएस में नहीं आता है, लेकिन ये लोअर पीसीएस में ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, राजस्थान में दोनों का एक कर दिया गया है। और जैसे कि अधीनस्थ सेवा की हम बात करते हैं तो उद्योग अधीनस्थ सेवा, तहसीलदार सेवा, नियोजन अधीनस्थ सेवा, देवस्थल अधीनस्थ सेवा, आबकारी अधीनस्थ सेवा, मतलब जितने भी अधीनस्थ सेवा हैं इसमें भी अच्छी खासी सीटें आई हैं। ये देखिए, आप नीचे देखिए, राजस्थान वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा, खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा, सहकारिता अधीनस्थ सेवा, महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सेवा, न्याय अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, न्याय और अधिकारी अधीनस्थ सेवा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, ये सब पढ़ते लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब हैं। फिर है श्रम कल्याण, ठीक है, फिर अधीनस्थ ये है अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक मामला सेवा 575। तो मतलब हो गए कुल मिला के, इनफैक्ट मैं कहता हूँ 980 के आसपास आई है, थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, 980 जो सीट से 980 आई है, मतलब हज़ार बहुत ज़्यादा होती हैं। पीसीएस में हज़ार आ जाना मतलब लॉटरी खुल जाना की बात होती है। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने ऊपर सीट पढ़ ली। जो ये दोस्तों, ये जो सैलरी है, सैलरी पहले पे बैंड हुआ करता था, अब क्या हो गया, पे मैट्रिक्स हो गया है। पे मैट्रिक्स के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर कर देंगे पे मैट्रिक्स क्या होता है। अभी समझ लीजिए कि ये पे मैट्रिक्स के माध्यम से दिया जाएगा, मतलब सैलरी अब आपको पे बैंड में नहीं होगी, पे मैट्रिक्स की मिलती है। उसको मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा कि पे मैट्रिक्स क्या होता है। बाकी जो काम की चीज़ें हैं दोस्तों, वो ये है कि जो ये सब तो आप लोगों के लिए नहीं है, ये जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए है कि जो अराजपत्रित, मैं जो नॉन गजटेड कर्मचारी हैं वो लोग भी, उनके लिए सीटें रिजर्व हैं। राजस्थान पीसीएस में नॉन गजटेड जो कर्मचारी हैं उनके लिए सीटें रिजर्व हैं, वो लोग एग्जाम्स को दे सकते हैं, पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि 5 साल की उनकी सर्विस हो जानी चाहिए, इस तरह की सीटें, इस तरह की कंडीशंस हैं, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व भी हैं। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब शैक्षिक योग्यता देखते हैं, मतलब जो क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ दो क्वालिफिकेशन होती हैं। पहली क्वालिफिकेशन होती है आपने बैचलर डिग्री पाई हो किसी भी रजिस्टर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या स्टेट की यूनिवर्सिटी से, आपने
ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, जो एज है वो एज है 21 साल से 40 साल के बीच में, ठीक है, 21 साल से 40 साल के बीच में है, जो कुछ रिजर्वेशन जैसे होता है SC ST OBC महिला या विधवा हो गया, या जो इन सब के लिए भी कुछ छूट है, पर ये लोकल राजस्थान के लोगों के लिए होगी, जो गैर राजस्थानी है उनके लिए छूट नहीं है, जो गैर राजस्थानी है उनके लिए नॉर्मल जो 21 साल से 40 साल तक की एज लिमिट है, जो 1/1/2009 तक आपको गिनी जाएगी, ठीक है। बाकी तो खैर इतना कुछ उसमें और करना नहीं है, इसमें ये सब तो उनके लोकल राजस्थान के लिए है जो अपना करेंगे। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन क्या होगा। देखिए जो एग्जामिनेशन होगा वो तीन तरीके से होगा, प्री मेंस इंटरव्यू, जैसे यूपी पीसीएस में भी होता है प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है। इसमें जो प्री होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन कह दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑफलाइन ही होगा। प्री जो होगा ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन जो मेंस होगा वह परीक्षा वर्णात्मक रूप में हो जाएगी, मतलब कि यह आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। यूपी पीसीएस में ये पैटर्न इस साल से आने वाला है, राजस्थान में आ चुका है ये, ठीक है। तो जो तैयारी यूपी पीसीएस के लोग कर रहे हैं, वो लोग अगर राजस्थान का पेपर भी देंगे तो उनके लिए इजी पड़ेगा, वही सब चीज़ें पढ़ती हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या है, जो सेंटर्स होंगे वो सेंटर्स लोकल सेंटर जैसे कि लिखा है वो राजस्थान के अंदर ही होंगे, ठीक है, राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ पे आपको देना। तो मतलब जो जो राजस्थान में लोग नहीं रहते, बाहर के लोग हैं यूपी मध्य प्रदेश झारखंड के, वो लोग को भी राजस्थान आके पेपर देना होगा, ठीक है। जो आवेदन की अवधि है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 12 अप्रैल से इसका आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, 12 अप्रैल से, और 11/5 तक आपका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो 1 महीने का समय मिलेगा, 12 तारीख से 12 अप्रैल से आपको 11 मई तक का समय मिलेगा। और इनकी जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan/gov.in/apply-online पे आप जाके वहाँ पे रजिस्टर मतलब फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये मोटा मोटा हमने बता दिया है, बाकी अगर हम एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करते हैं, प्री में आपका एक पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, एक पेपर होगा, ठीक है, वही सब आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका जो जैसा आता है, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो नॉर्मल एग्जाम्स में होता है 200 नंबर का होगा। और जो मेंस है, आप मेंस देख रहे हैं, चार पेपर है मेंस के, GS 1 2 3 और जनरल हिंदी और इन जनरल इंग्लिश, तीनों 200 नंबर के होंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, आपको GS 1 2 3 पढ़ना है। तो अगर आप GS मजबूत कर लेंगे तो प्री में भी आपको हेल्प मिलेगी और आपको मेंस में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। यूपी पीसीएस का पैटर्न भी इस साल से ऐसा ही होने जा रहा है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको राजस्थान और यूपी दोनों के लिए बहुत इजी पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी जो पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होता है वो भी बाद में होगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा दोस्तों मैं बता दिया आपको, और बाकी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो अभी PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो मुझसे आप बोल दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, आपको मुझे आप मेरा नंबर अभी मैं बताऊंगा आपको, वहां पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ये PDF दे दूंगा, या आपको और जानकारी चाहिए होगी तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों और है कि राजस्थान पीसीएस जैसे आ गया है, एक कोर्स हम प्रोवाइड स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान पीसीएस प्री के लिए, एक 4 महीने का दोस्तों कोर्स होगा, ऑनलाइन कोर्स है ये, इसमें राजस्थान पीसीएस की तैयारी कराई जाएगी, पीसीएस प्री की तैयारी कराई जाएगी ये, ठीक है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में होंगे, इसमें जितना भी GS आता है, जितना भी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सबके आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में होंगे, आप इसे देखोगे, कुछ अगर प्रॉब्लम होती है आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। फिर हम आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल देंगे जो PDF के फॉर्म होगा, ये एक PDF क्या बिल्कुल एक बने हुए नोट्स होते हैं, पीसीएस प्री के लिए सफिशियंट है, पीसीएस प्री इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद आपका डेली ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा जिसमें आपका असेसमेंट हुआ था कि आपने जो पढ़ा है वो ठीक से आपको अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसकी जो फीस है वो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है, 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है इसके अंदर। और जो बैच शुरू हो रहा है वो 10 अप्रैल से राजस्थान पीसीएस के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, राजस्थान पीसीएस के लिए 10 अप्रैल से 4 महीने का आपका बैच शुरू हो रहा है। अभी राजस्थान की एग्जामिनेशन डेट अभी नहीं आई है, लेकिन मान के चलिए कि 3-4 महीना आपको लग जाएगा, जुलाई के बाद ही आप राजस्थान पीसीएस का प्री का पेपर दोगे आप, ठीक है। एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दोस्तों है कि जो लोग राजस्थान पीसीएस या यूपी पीसीएस का हमारे माध्यम से कोर्स करते हैं, मान लीजिए कोई हमसे राजस्थान पीसीएस का कोर्स करता है, तो हम उसको यूपी पीसीएस का भी कोर्स साथ में मटेरियल देंगे, क्योंकि देखिए
80% दोनों एक जैसे हैं, कुछ डिफरेंस है। उस डिफरेंस जैसे कि मान लीजिए आप यूपी पीसीएस का जो हमारा कोर्स, जैसे इस समय 700 लोग हमारे साथ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो लोग राजस्थान पीसीएस की तैयारी करना चाहेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। जैसे राजस्थान के जो कुछ लोकल क्वेश्चन आते हैं, लोकल जैसे कि लोकल पॉलिटी के क्वेश्चन, लोकल हिस्ट्री क्वेश्चन, वो सब हम यूपी पीसीएस के जो हमारे जो बैच में लोग स्टूडेंट्स हैं हम उनको प्रोवाइड करेंगे। जो लोग राजस्थान पीसीएस का अभी लोग फॉर्म भरेंगे और उनमें से मान लीजिए कुछ लोग यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहेंगे तो हम उनको लोकल यूपी के भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब आपको एक बार एक फीस पे करनी है लेकिन आपको दो कोर्स आपके प्रोवाइड होंगे। यूपी पीसीएस के लिए लास्ट बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 2 तारीख से, 2 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। अब कोई यूपी पीसीएस का बैच नहीं बनेगा, तो अब जो नए लोग आएंगे वो 2 तारीख वाले बैच में ही आपको, 2 अप्रैल वाले बैच में ही आपको डाला जाएगा, आपको मटेरियल में दिया जाएगा। बाकी दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें 8317040152 पर हमें कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं और या कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मेन जो मुद्दा है राजस्थान पीसीएस का आ चुका है, आप इसको भर लीजिएगा। कुछ दिक्कत होती है तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके डाउट्स को डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।